नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे, देश के सुप्रीम कोर्ट ने कल मंगलवार को जिस तरह से दो अलग अलग मामलों में राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण और अपराधियों को राजनीति में आने से हतोत्साहित करने के बारे में अपनी टिप्पणियां की, अपने उन टिप्पणियों के साथ साथ कुछ निर्देश भी दिए और उन निर्देशों से एक बार इस तरह की भावना फिर से मजबूत हुई कि देश में जो राजनीति है उसमें जो अपराधीकरण है उसको रोकने के लिए हमारी न्यायपालिका काफ़ी गंभीर है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो टिप्पणी करी थी उस टिप्पणी में उसने इस बात का जिक्र किया था कि कानून बनाने वाले नींद से जागेंगे और राजनीति मैं क्राइम के कैंसर की बड़ी सर्जरी करेंगे। हम ये चिंता इसलिए जाहिर कर रहे हैं ताकि पॉलिटिक्स से क्राइम के कैंसर, पॉलिटिक्स को क्राइम के कैंसर से छुटकारा मिल जाए। ये राजनीतिक सिस्टम की शुद्धता बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि अपराध में लिप्त रहे लोगों को लॉ मेकर बनने की इजाजत न मिले। इस तरह की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और इस टिप्पणी से ये साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हमारी न्यायपालिका काफी गंभीर है राजनीति से अपराधीकरण को रोकने के लिए। और इस जो कल की जो न्यायिक गतिविधियां थी सुप्रीम कोर्ट में, उनसे एक और बात भी साबित हुई है, वो ये साबित हुई है कि चाहे हमारी न्यायपालिका कितनी ही गंभीर हो राजनीति से अपराधीकरण को रोकने के लिए, चाहे चुनाव आयोग इस बारे में कोई प्रयास अपनी तरफ से करने की कोशिश भी करे, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उनके लिए जो अपराधी हैं, अपराधियों को राजनीति में लाना एक तरह से मजबूरी है। अपराधियों का बहुत आकर्षण है राजनीति में आने के लिए और उनको राजनीति में लाने के लिए बीजेपी हो या कांग्रेस, बसपा हो या जनता दल यूनाइटेड या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां भी क्यों ना हो, सारी पार्टियां बराबर अपनी अपनी तरफ से जो उनके हाथ आता है अपराधी उसको सिर माथे पर बिठाती हैं और राजनीति में शीर्ष स्थान पर लाने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती। कल एक अदालत का एक निर्देश बिहार में जो अपराधियों को राजनीति में लाने से रोकने के लिए जो पुराना सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था जिसमें ये कहा गया था कि उनका नाम घोषित होने के दो हफ्ते के अंदर अंदर उनके बारे में जानकारी, अपराधी अगर कोई है तो उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, बिहार में इस नियम को बिल्कुल नहीं इसका पालन किया गया और जो वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उन पर 8-8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और बाकी कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू और तमाम बाकी दलों को मिलाकर 6 अन्य राजनीतिक दलों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी अदालत ने लगाया है अपने आदेश के अनुपालन ठीक से न होने के कारण। तो ये एक तरह से ये दिखाता है कि अगर अदालत चाहती भी है तो हमारे राजनीतिक दल ये बिल्कुल इस कोशिश में रहते हैं कि जो मौका उनके हाथ में आए वो उस मौके को भुनाएं और अपराधियों को राजनीति में। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में अब पिछले कई ऐसे मौके आए हैं जब हमने देखा जो बीजेपी जो बहुत शुद्ध और जो बहुत राष्ट्रवादी और बहुत अपने को पाक साफ पार्टी कहती है उसने अपराधियों को किस तरह से गले लगाया है। एक वक्त था जब बीजेपी के एक अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेता ने आकर जो बसपा के जमाने में बाबू सिंह कुशवाहा के नाम से जो जाने जाते थे और जो आर्थिक भ्रष्टाचार के मामलों में लंबे समय तक जेल में रहे उनको अपनी पार्टी में जगह दे दी थी, काफी छीछा लेदर हुई, फिर उनको हटाया गया। और ताजा मामला अभी जो फैजाबाद से जो बबलू जो बसपा के विधायक थे, पूर्व विधायक, उनको बीजेपी में शामिल करने का मामला था जिन पर आरोप था कि उन्होंने जब मायावती की सरकार थी तब उन्होंने रीता बहुगुणा जोशी जो उस वक्त कांग्रेस की नेता थी उनके घर को आग लगा दी और एक तरह से हत्या के इरादे से वो आग लगाई थी। उस मामले में वो अपराधी, उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी लेकिन बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। फिर रीता बहुगुणा ने विरोध किया, थूथूल हुई काफी बीजेपी की और अब अचानक फिर एक आदेश 3-4 दिन बाद आया और ये बताया गया कि बबलू अब बीजेपी का हिस्सा नहीं है। तो कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी इसमें कम नहीं है। पिछले जो विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव था उसमें 17%
कुल उम्मीदवार जो थे वो अपराधी चरित्र के थे, अपराधी आपराधिक इतिहास वाले थे। और जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जो आखिरी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें यूपी में 19% लोग आपराधिक इतिहास वाले थे। तो ऐसे लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वो देश का कानून बनाएंगे, देश की व्यवस्थाओं को चलाएंगे। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए क्या इस अदालत के इस जो आदेश है इनका क्या महत्व है, इनसे क्या स्थितियों में सुधार आ सकता है, राजनीतिक दलों पर किस तरह की बाध्यताएं नई लागू हो सकती हैं, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट और बहुत अच्छे लेखक आईबी सिंह साहब, और इलेक्शन वॉच उत्तर प्रदेश के सर्वे सर्वा संजय सिंह। संजय जी, बात की शुरुआत में आपसे ही करना चाहता हूँ। जिस तरह से ये कल जो न्यायिक सक्रियता हमने देखी, दो अलग अलग अदालती टिप्पणियां हमने देखी, एक में 25 अगस्त की आखिरी सीमा भी दी गई है समय की कि अगर 25 अगस्त तक सरकारों ने इसमें काम ठीक से नहीं किया तो फिर अदालत इस बारे में अपने नज़रिए से सोचेगी, इस तरह की बात भी कही गई है। इलेक्शन वॉच इसको किस तरह से देखता है? संजय जी, आपको आवाज मिल रही है? लगता नहीं, लगता है संजय जी अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। आईवी सिंह साहब, आप क्योंकि न्यायपालिका से एक तरह से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं और खास तौर पर राजनीतिक मामलों में भी आपका बहुत अनुभव रहा है, राजनीतिक मुकदमों में भी, इस जो कल की जो न्यायिक सक्रियता दिखाई दी सुप्रीम कोर्ट में, एक चीफ जस्टिस की बेंच में और एक जस्टिस नरीमन की बेंच में, इनको आप किस रूप में देखते हैं, इनसे क्या किस तरह के बदलाव की उम्मीद हमें दिखती है? देखिए, किसी भी प्रजातांत्रिक देश के लिए चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चैप्टर 15 है वो इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही संबंधित है। चुनाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि सारे वोटर अपने कैंडिडेट के बारे में जाने कि उस कैंडिडेट की स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है और उसकी आपराधिक स्थिति क्या है, ये भी जानना जरूरी है। न्यायालय ने यह आदेश किया कि जब इलेक्शन कमीशन के सामने अपना नॉमिनेशन कोई भी कैंडिडेट फाइल करेगा तो उसमें अपने आपराधिक मुकदमों की सूची भी देगा। देखिए, कोई भी आदमी अगर सजा याफ्ता है और उसको 2 साल से ज्यादा की सजा हो चुकी है तो उसको कभी भी इलेक्शन लड़ने से वंचित कर दिया जाता है, और जब तक वो छूट करके ना आए, छूट के आने के 5 साल के बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसे मामलों में, और अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो फिर छूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऐसे मामलों में इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन था कि आप अपने आपराधिक मुकदमों की सूची दीजिए, जिससे जनता को ये पता लगे कि साहब हमारा जो कैंडिडेट जिसको हम इलेक्ट करने जा रहे हैं ये तो अपराधी है, ये तो राजनीतिक नहीं है, या इसने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि अपराध के आधार पे ही बनाया है। उसको डिक्लेयर करने के लिए 2020 में एक जजमेंट आया बिहार के एक मामले में, जब वहां गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें कहा कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स का लिस्ट डिक्लेयर करती है तो अपनी वेबसाइट पर यह भी डिक्लेयर करे कि उसके कैंडिडेट्स के खिलाफ कितने कितने मुकदमे चल रहे हैं, दूसरा कि उसको पेपर में भी पब्लिश करे कि साहब इनके खिलाफ ये मुकदमे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको फॉलो नहीं किया। जब वो मैटर दोबारा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कई पॉलिटिकल पार्टीज पे जुर्माना लगाया, 2 खास पॉलिटिकल पार्टीज पे तो 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और बाकी को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उसको कंप्लायंस का आदेश दिया। तो इसमें ये बहुत आवश्यक है कि आपराधिक मामलों की जानकारी जनता को होना चाहिए। अगर वो इलेक्शन में वोट डालने जा रहा है तो उसका मन बदल सकता है कि हम अपराधी को इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। तो ये मामला यहीं पर है, लेकिन एक बात
देखने योग्य होती है कि हमारे समाज में आजकल क्रिमिनल मामलों की फाइलिंग बहुत बढ़ गई है, अपराधों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हमने अभी ये केस किया कि एक साहब ने शर्ट खरीदी और शर्ट एक महीना पहनने के बाद उनको पता लगा कि ये ब्रांडेड शर्ट नहीं है, नॉन ब्रांडेड है, हमको ब्रांडेड कहकर दे दिया, तो एक मुकदमा दर्ज करा दिया। तो जिस आदमी के खिलाफ दर्ज कराया तो उसके अपराध की एक सूची लग गई। बाप बेटे का झगड़ा हो तो आपराधिक मुकदमा, मियां बीबी का झगड़ा हो तो आपराधिक मुकदमा हो जाता है, टेनेंट का मुकदमा हो तो गंभीर अपराध और नॉन सीरियस ऑफेंसेस, इसका डिस्टिंक्शन भी करना पड़ेगा आगे चल करके। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको इस पर भी ध्यान देगी कि आए दिन किसी भी आदमी के ऊपर किसी तरह के वो भी, अब अपराधों की संख्या आप अगर देखेंगे तो अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो नॉन सीरियस ऑफेंसेस को कभी इग्नोर करने की जरूरत पड़ेगी, उसको आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि नॉन सीरियस ऑफेंसेस के बारे में कोई ऐसी बात नहीं, वरना किसी भी शरीफ आदमी के खिलाफ कभी भी कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा। सीरियस मुकदमे प्रॉब्लम है, सीरियस मुकदमे प्रॉब्लम जहां आप डकैती हैं, बलात्कार है, चोरी है, देखिए ऐसे अपराध यहीं पर नहीं है, हर जगह है। अभी आपने न्यूयॉर्क के मेयर को देखा, न्यूयॉर्क के मेयर साहब कल को इस्तीफा देना पड़ा, उनको जो प्रेशर पड़ा 11 लड़कियों ने कहा कि आप इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाए थे। तो पूरे वर्ल्ड वाइज ये है, जहां भी डेमोक्रेसी है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है उसका स्वागत करना चाहिए, ये ठीक बात है, और मुझे उम्मीद है कि आगे चल करके डिस्टिंक्शन ड्रा होगा। बिल्कुल, ये एक काफी महत्वपूर्ण मुझे लगता है ये बात है, और जिस तरह से अदालत ने इसको इसको बहुत गंभीर खुद भी माना है, और मुझे लगता है कि अब वाकई में राजनीतिक दलों को, खासतौर पर जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल है, उनको गंभीरता से सोचना होगा। संजय जी, क्या आप अब आप हमको सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है संजय जी अभी भी हमसे नहीं जुड़े। सरद जी, मैं ठीक हाँ, लेकिन उनको मैं आपसे कल जो जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग मामलों में जो टिप्पणियां आई हैं, उनमें जो खास तौर पर जो आपराधिक जो मामलों के को लेकर है, उसमें ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग भी एक वेबसाइट बनाए, मोबाइल ऐप बनाए, जिसमें जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी जानकारी बिल्कुल तुरंत आ जाए, और जिससे लोगों को आसानी से जानकारी मिल जाए। राजनीतिक दलों को भी कहा गया है कि वो इस तरह का एक पेज बनाएं जिसमें साफ साफ जानकारी हो उनकी पार्टी में कौन कौन और कितने कितने आपराधिक मुकदमों वाले लोग हैं जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, इस तरह की बात है। चुनाव आयोग को ये भी कहा है कि आप विज्ञापन के जरिए लोगों को जागरूक करिए कि वो किस तरह से अपने जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में जानें और उनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानें। ये चीज़ें एक तरफ, एक जिस चीज़ की तरफ आईवी सिंह साहब ने इशारा किया कि सामान्य मुकदमे और गंभीर मुकदमे राजनेताओं के लिए बहुत, हमने तो विधानसभा के अंदर भी बहस में देखा है, राजनेता मखौल उड़ाते हैं अपने खिलाफ मुकदमों का, वो कहते हैं कि साहब हम जनता के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, हम जनता के लिए जनता की मांग के को लेकर कुछ कर रहे थे, धरना दे रहे थे और हमारे खिलाफ मुकदमे बना दिए गए, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, हमने तो कोई अपराध किया नहीं। यानी कि वो बड़े अपराध और छोटे अपराध दोनों को का जो घालमेल करके अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, वो एक अच्छा बहाना उनके पास है। शायद जो अब जो जरूरत है, जैसा आई वी सिंह साहब ने कहा, उससे चीजें थोड़ा रुक सकती हैं अगर अलग अलग सामान्य अपराध और गंभीर अपराधों को भी श्रेणीकरण किया जाए। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की कोई आवश्यकता इस वक्त है? तो मैं तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि मेरा वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब, बहुत कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। अधिक से एडीआर ने जो मुहिम शुरू की थी, और हम इसी बिने पे बात कर रहे थे, और अभी तक हम जो करते आए हैं कि चुनाव के दौरान सबसे पहले कि लोग अपना आपराधिक रिकॉर्ड भरें, उससे शुरुआत हुई। और कल के निर्णय में जो सबसे खास बात है वो बात ये है कि जैसा कि अभी सिंह साहब ने अपने जिक्र किया कि 2020
2020 का जो जजमेंट है जिसमें था कि ये लोग अखबार में निकालेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है क्योंकि हम एडीआर के से जुड़े होने इलेक्शन वॉच यूपी की तरफ से हमने ये देखा कि किसी भी प्रत्याशी ने किसी अखबार में कोई अपना इस्तहार नहीं दिया, ना कोई चीज जिक्र की कि जिसके आधार पर ये पता चल सके कि उन्होंने कुछ चीजें की, और पता नहीं कहाँ छप गया, कैसे छप गया, और कोई जानकारी जनता के बीच में नहीं रही। कल के निर्णय के बाद से जो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ऐप और वेबसाइट के साथ साथ एक जो फंड क्रिएशन की भी बात शुरू हुई है कि एक फंड क्रिएट होगा, और ये जो फंड क्रिएट होगा और उससे ऐसे लोगों के बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो ये एक बड़ी बात है कि जहां तक अभी एक स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन के ही अंदर एक ऐसी विंग बनेगी कि जो विंग ये काम करने की कोशिश करेगी, तो अब लगता है कि थोड़ा सा जो लोग अभी तक छिपाने की कोशिश कर रहे थे वो छिपेगा, और देर सवेर जो राजनीति में अपराधीकरण का जो बढ़ता सिलसिला है वो शायद रुकने की तरफ आएगा, और हम जैसे तमाम सारे राजनीति के सुधार के जो पक्षधर लोग हैं आप सब, हम सब ये मानते हैं कि जब तक जिस तरह से आपने अपने शुरुआत जहां से की थी कि जिस तरह से लोग अपराधी दल के प्रत्याशियों को अपने गले लगा रहे हैं और उनकी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, हर दल की अब इस समय जो सबसे बड़ी पसंद है वो अपराधी हैं, मुझे लगता है कि ऐसे निर्णयों के बाद में उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोक लगेगी, और अब हमारा काम और सिविल सोसाइटी का काम बढ़ता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है इसके आलोक में जाके हम कैसे इसका प्रचार प्रसार कर सकें और लोगों तक इस बात को ले जा सकें। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश चुनाव में हम सब इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सापेक्ष कितना काम कर पाएंगे, ये हमारी पूरी तैयारी है और हम उसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, वक्त की जरूरत भी यही है, और आप लगातार एडीआर इस मुहिम को बहुत लंबे समय से चला रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इस मुहिम को इसके किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। सरज जी, जो बात संजय जी ने यहाँ पर करी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, कल जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर भी काफ़ी अदालत ने बहुत गंभीर किस्म की टिप्पणियाँ की। एक तो उत्तर प्रदेश का नाम उन राज्यों के नामों के साथ शामिल हुआ जहाँ पर अपराधियों के खिलाफ सरकारों ने मुकदमों को, राजनीति में जो लोग आए हैं उनके मुकदमों को ख़त्म कर दिया है, और उत्तर प्रदेश में ऐसे 76 मुकदमे ख़त्म किए गए हैं। उसके बाद कर्नाटक में 61 और महाराष्ट्र और बिहार, उत्तराखंड, कई राज्यों में इस तरह के मुकदमे ख़त्म किए, और अदालत ने उत्तर प्रदेश के खास तौर पर जो बीजेपी के MLA रहे सरधना से संगीत सोम, और थाना भवन से सुरेश राणा, और मुजफ्फरनगर सदर से कपिल देव, इन लोगों के खिलाफ जो मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान के जो मुकदमे थे उनको वापस लेने के मामले में बहुत उसने अदालत ने बहुत हैरानी जताई। अदालत को इस बात पर बहुत हैरानी हुई कि ये मुकदमे कैसे वापस लिए गए। अदालत ने ये भी कहा कि 16 सितंबर 2020 से पहले के बाद के लंबित जो मुकदमे हैं उनकी जो उनको या जो मुकदमे निपटाए भी जा चुके हैं इस तारीख के बाद उनकी जो निगरानी है वो अब हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से उनकी जांच होगी, और इन मामलों की जो सुनवाई कर रही विशेष अदालतें हैं उनके भी जो न्यायाधीश हैं उनका तबादला नहीं किया जाएगा जब तक कि वो ऐसे मुकदमे पूरे नहीं हो जाते, हालांकि उनके रिटायर होने या किसी अन्य स्थिति में ये नियम लागू नहीं होगा। दूसरा, जो अदालत ने ये भी कहा कि जो CRPC की धारा 321 है उसका राज्य बहुत बुरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो हम देख रहे हैं सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए, BJP के लोगों को बचाने के लिए किस तरह से इन कानूनों का, इस धारा का दुरुपयोग कर रही है। आपको क्या लगता है कल के जो न्यायालय के जो निर्देश हैं उनके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी थोड़ा मुश्किल बढ़ेंगी? नहीं, देखिए अब आज की डेट में तो जितना उन्हें करना था वो तो कर ही चुके हैं, अब तो चुनाव सर पे है, और अभी तो मुझे तो टोटलिटी में ये लगता है कि इसका कितना असर होगा, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं मानती है, या ये बाद में IB सिंह साहब से पूछिएगा कि अगर नहीं मानती पॉलिटिकल पार्टी बात तो क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट उनका। देखिए ये जो हालत है हमारे देश में, पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ज्यादा बेलगाम हो चुकी हैं और सबको इतना प्रेम, और खाली पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेम नहीं है, जो संजय सिंह ने कहा कि ये
ये बढ़ावा देते हैं, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो बढ़ावा देती ही हैं, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्ट कौन करता है? पब्लिक, हम और आप इलेक्ट करते हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो पब्लिक अगर जागरूक नहीं होगी तो क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट? मुझे तो बार बार यही लगता है कि इस तरीके का ये क्या, ये जो 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 ठीक है अभी सुनने में अच्छा, हम लोग सब चाहते हैं कि सुधार हो और क्रिमिनल्स का जो है किसी तरह कंप्लीट बॉयकॉट हो, लेकिन सारे और पॉलिटिकल पार्टी से जब पूछा जाता है कि क्यों आपने दिया है तो कहते हैं साहब विनेबिलिटी चाहिए, जीतने का पोटेंशियल जिसके पास है उसी को टिकट देंगे, ये उसमें बाकी पर बाकी एक दूसरे को गाली देते रहेंगे कि साहब ये भ्रष्टाचारी और अपराधी को ये टिकट देते हैं, सब करते हैं वही। जब पावर में आते हैं तो सब जो है अपनी अपने उसके भूल जाते हैं, सबको गोद में बैठाते हैं, उनको महिमा मंडित करते हैं। और आप अभी यूपी में तो ये तक हुआ है गोविंद, आप सबने देखा है कि पहली बार हुआ है शायद देश में कि एक मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ जितने आपराधिक मुकदमे थे सब खुद ही वापस करा दिए। नहीं, ये तो बहुत पहले से होता रहा है और तमाम नहीं मुख्यमंत्री किसी मुख्यमंत्री ने किसी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के भी खिलाफ बहुत सारे मुकदमे उनके मुख्यमंत्री रहते हुए समाप्त हुए थे, ये उत्तर प्रदेश के लिए शायद नया नहीं है। लेकिन आईवी सिंह साहब, मैं संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा जो सवाल सरद जी ने उठाया है कि अगर राजनीतिक दल इन जो निर्देश है इनको न माने तो क्या विकल्प रहते हैं चुनाव आयोग के पास? पहला बात तो ये है कि जो अगर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानती हैं तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलेगा। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन के सामने दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। रजिस्टर्ड तो इस समय मेरे ख्याल से 2-3 हजार उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती, जैसे उनका सिंबल अलॉटमेंट होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे रजिस्टर्ड का जो है नॉमिनेशन। आवाज रुक गई लगता है, आज नेटवर्क की समस्या के कारण आईवी सिंह साहब को भी हम नहीं सुन पा रहे हैं। संजय जी, बहुत संक्षेप में आप से मैं समझना चाहता हूं, अब जो आपकी संस्था है वो अब क्या आगे कर इस मामले में करेगी? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो दो तरह का हस्तक्षेप है, एक तो हम जो जुडिशली में जाके जो जुडिशली एक्टिविज्म है वो तो लगातार बहुत सारे पीआईएल और इन सब के माध्यम से हमारा चल रहा, लेकिन जैसा कि अभी आदरणीय शरद सर ने जो बात कही, क्योंकि मैं उनको एक बहुत तरह से वो पत्रकार के साथ साथ एक बहुत बड़े चिंतक भी हैं, उनके बात को मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि हम लोग अब इस बीच में पब्लिक अवेयरनेस के लिए जाने चाह रहे हैं और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, हमारे पास में जितनी ताकत है और सिविल सोसाइटी के साथ हमारे इस समय जो 50 से अधिक जिले लेवल पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन बॉच है, तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन बॉच में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस निर्णय को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोगों को अपने राजनीतिक दलों से और वो राजनीतिक दलों के जो जिला अध्यक्ष हैं या जो है उन सबों के बीच में भी हम एक प्रोसेस चलाना चाहते हैं, स्टेट में चलाना चाहते हैं और सभी पार्टियों का खासतौर से जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है और फिर वो जो एक आज जैसे कांग्रेस ने आज ही अपनी इलेक्शन कमेटी घोषित की है, तो ये इस तरह की जो कमेटीज हैं उनको हम एक चिट्ठी लिख के भेजना चाहते हैं कि आप इन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को किस तरह से लागू करेंगे और क्या करेंगे और आपकी क्या मंशा है, ये जानने की बहुत अच्छी कोशिश है और ये कोशिश निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जनता के हस्तक्षेप को मजबूत करेगी और हम सब यही चाहते हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें जनता का हस्तक्षेप मजबूत हो और अपराधियों का राजनीति से कम उनको राजनीति में इस तरह से खुला प्रवेश न मिल सके। इसी संभावना के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम आपकी बात को आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमको शेयर करें और अपनी जो टिप्पणियां हैं हमारे कार्यक्रम के बारे में, उनकी जो राय है उससे हमको अवगत कराते रहें।
ताकि एक जो द फ्री प्रेस के जरिए निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की जो कोशिश हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो कोशिश आप अपने किसी लक्ष्य तक पहुंचे, वो कोशिश सफल हो, क्योंकि उस कोशिश में ही हमारा, आपका और उत्तर प्रदेश के और देश के तमाम नागरिकों का, इस लोकतंत्र में यकीन रखने वाले तमाम लोगों का हित उसी से जुड़ा है। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।